Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and good. So today I am here to do question answers of chapter number 23. Okay? And name of chapter is our government. हमारी government है. उसके बारे में हमने इस chapter में discuss किया था. Now this chapter is completed. So today we will do question answers. Okay? So here is question number one. What is question number one? Name the three organs of the parliament. Parliament के हमें क्या बताने हैं? तीन organs के नाम बताने हैं. What are the parts of the parliament? Okay? So हमें मालूम है कि parliament के कितने part होते हैं? Parliament के तीन part होते हैं. कौन कौन से part होते हैं? तीन part होते हैं. So answer will be, answer number first. थ्री ऑर्गन्स, आप उन्हें ऑर्गन्स कह सकते हैं या आप उन्हें पार्ट्स कह सकते हैं पार्लियामेंट के. तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट लोकसभा. लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इसे पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है. ओके? और मैक्सिमम नंबर्स होते हैं इसमें मेंबर्स के 552. उनमें से दो मेंबर्स को प्रेसिडेंट चूज करता है. सेकेंड है राज्यसभा. सेकेंड पार्लियामेंट का ऑर्गन क्या है? राज्यसभा. एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके? एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा आर 250. उनमें से 12 मेंबर्स कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट चूज करता है. और इसका टर्म होता है 5 इयर्स का. और राज्यसभा का टर्म होता है कितना होता है? राज्यसभा का टर्म 6 इयर्स का होता है. और जो हम लोग वोटिंग के थ्रू जो मेंबर सिलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चूज करते हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं. बट राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोग डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू इलेक्ट नहीं कर सकते. ओके? थर्ड है इसका पार्ट है प्रेसिडेंट. जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द कंट्री है, वो भी पार्ट है पार्लियामेंट के. तो पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स हो गए? पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ओके? तो प्रेसिडेंट का टर्म भी कितना है? 5 इयर्स का टर्म है. प्रेसिडेंट को भी हम लोग वोटिंग के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते. इन्हें हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है, बट नॉमिनल हेड कहा जाता है. नॉमिनल हेड का मतलब क्या है? कि सारी पावर पीएम के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हेड है. ओके? बट प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं होती, सिर्फ नाम के लिए हेड होता है, कहने के लिए हेड होता है. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड. लोकसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, कैसे चूज किए जाते हैं, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में. क्वेश्चन नंबर सेकंड में सो आंसर टू विल बी, क्या होगा आंसर टू? मैंने भी बताया आपको कि लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू. एंड वी कैन राइट द आंसर, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द, आर इलेक्टेड directly by the people of India. People of India. Is that clear? जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को यहाँ के इंडिया के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू, और वही भी क्या बनते हैं? लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं. ओके? सो मेंबर्स कैसे चूज किए जाएंगे लोकसभा के, ये आंसर हमने अभी नोट डाउन किया. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इज हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड. इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चूज किया जाता है? सो प्रेसिडेंट को मैंने बताया था अभी आपको, जो प्रेसिडेंट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते. जैसे हम लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही लोग लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं, बट हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है? इन्हें कौन करता है फिर? अब अगर हम लोग नहीं कर सकते तो कौन करता है प्रेसिडेंट को चूज?
इलेक्ट्रॉन करता है, कोई तो करता होगा। तो इन्हें लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके मेंबर्स, उनमें वोटिंग होती है और वो लोग चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, सो आई एम रविंग आंसर नंबर फर्स्ट ओनली। सो व्हाट विल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड? सो आंसर नंबर थ्री विल बी President is elected by the members of Lok Sabha, the members of Lok Sabha, Rajya Sabha and स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा। ओके, एंड स्टेट विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती है इस असेंबली में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके, सो दिस इज आंसर नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? स्टेट का हेड कौन होता है? जैसे कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है और गवर्नर का, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसका हेड कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। देन हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? तो ऐसे ही स्टेट का हेड किसे कहा जाएगा? गवर्नर। हु इज हेड ऑफ द स्टेट? गवर्नर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। जिसे हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं क्या? राष्ट्रपति। हम पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं प्रधानमंत्री। सीएम, चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं मुख्यमंत्री। ऐसे ही गवर्नर को हम क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं। और ये स्टेट का हेड होता है। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया एंड वेयर इज इट लोकेटेड? कि इंडिया का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो कहाँ पर है, कौन सा है, कहां पर है? दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिया में तीन टाइप के कोर्ट हैं। जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, वो तीन लेवल में काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट किसे कहा जाता है? किसको? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और ये है कहां पर? इंडिया में किस जगह पर है? तो ये है न्यू दिल्ली। तो हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ? देन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। कहां का है? इंडिया का है। एंड वेयर इज लोकेटेड? सो इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहां पर है ये? न्यू दिल्ली। ओके, नाउ योर क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीटेड। सो आई प्रोवाइड द इमेज आल्सो ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड वीडियो, देन यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक इन गुड राइटिंग। इज इट क्लियर? आई होप यू गॉट वेल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।